Hello guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. And I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग reaction देने वाले हैं Singham Again के first song पे, जिसका title है जय बजरंगबली। और इस song के बहुत सारे singers हैं। इतना नाम लेना possible नहीं है। तो हम लोग excited थे Singham के trailer को देखने के बाद ही कि मतलब Singham Again के trailer को देखने के बाद ही कि सॉन्ग्स क्या क्या आउट होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था, फारू ट्रेलर था। जैसे कि मूवी भी अभी आने ही वाली है, ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस सॉन्ग को सुन लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सुर में गाना सीखिए पादानिसा ऐप के साथ, एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गूगल पे बाजीराव संगम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। ये था ट्रेलर। जिसे नफरत करता है और जिसे प्यार करता है, उसके लिए कहीं भी जा सकता है। कितना सही बनाया यार इस सॉन्ग को, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है इस सॉन्ग का वो सबसे ज्यादा कैची है। आई थिंक ये सॉन्ग और ज्यादा बड़ा है। हाँ, ये छोटा सा ही निकाला है। हाँ, वो मूवी में दिखाएंगे, मूवी में वो दिखाएंगे। एंड बेसिकली यहाँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है ना इस सॉन्ग का, वो बहुत सही है। खास करके एंड में जो था, जहाँ पे आते हैं रणवीर सिंह, पहले मुझे पहले ही लगा कि उनको बजरंगबली के सामने, हाँ मतलब बेसिकली वो ये थीम तो नहीं है ना कि रामायण, मैं बोल रही हूँ कि जैसे बजरंगबली जो कैरेक्टर काइंड, हाँ बजरंगबली जैसे थे, राम जी के भक्त थे वो सबसे बड़े, उन्होंने सीता माता को प्रोटेक्ट किया था, तो वैसे ही जो है यहाँ पे जैसे हमें पता ही मतलब है स्टोरी की, करीना कपूर को जो है अर्जुन कपूर उठा के लेके जाएंगे और वो रावण है बेसिकली, मतलब वैसा ही ये दिखाया जा रहा है इसमें। सो उस हिसाब से कैरेक्टर को ढाला गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड आई वांट टू सी इन द मूवी कि कैसे ये लोग रामायण के साथ इस चीज को कनेक्ट करके दिखाएंगे। मतलब वहां पे था ना लास्ट के तरफ कि वो हक कर रहे हैं उनको, तो वहां पे राम जी और हनुमान जी को भी दिखा रहे हैं, तो आई वांट टू सी कि वो कैसे मतलब उस चीज को वो तो समझ आ ही रहा है, वो तो क्लियरली समझ आ रहा है, वो आई थिंक कुछ नहीं, वो कैसे उस चीज को सिंक करेगी, क्योंकि रामायण तो अलग है ना, यहाँ पे रामायण नहीं चल रही है। वो तो समझ आ ही रहा है कि कैसे होगा,
क्योंकि अगर हमने बाकी मतलब सिंघम सिम्बा ये सब जब हमने देखा है तो वहीं पे हमें समझ आता है कि जय देवकुंड जो है वो सबसे ऊपर है। नहीं नहीं वो मैं वो नहीं नहीं बोल मैं रही, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ बोलूँ कि विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को कैसे फिक्स करेंगे, मैं वो बोल रही क्योंकि हूँ। ये इसका जो बेस है वो बेस ही रामायण हाँ तो है, वो तो कैसे इस इसी तरीके से वो तो क्लियरली समझ आ रहा है अब कि वो इस मूवी तरीके दे से मुझे सेट वो कर रहा चीज है थोड़ा। और इसको इस तरीके से सेट कर रहा है। आई थिंक जैसे कि इसमें कुछ रामायण वगैरह के जैसे डायलॉग्स भी हो सकते हैं हाँ कि उन्होंने जैसे ऐसे सेव किया था मैं स्टोरी ऐसे। लाइन तो समझ में आ ही हाँ तो रही है कि यहाँ पे क्या ये होने भी वाली समझ में है, आ रहा है कि कैसे दोनों को सिंक किया जा रहा है। ये तो कॉमन सेंस बट है। हाँ बट एक चीज मैं बताऊं कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया कि डिफरेंट सिंगर्स है, क्योंकि सिंगर्स ने इतना अच्छा काम किया है ना, उस तरफ ध्यान ही जैसे नहीं कि जा अभी रहा, कोरस ज्यादा है ना तो सारे ध्यान ही साथ। नहीं जा रहा उस तरफ कि इतने सारे सिंगर्स है, हाँ और इतना अच्छा सबने अपना पोर्शन निभाया। एक तो इतने सारे सिंगर्स को एक सॉन्ग में डालना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सो इट्स वेरी कमेंडेबल जॉब एंड बेसिकली कोरस है इसीलिए और ज्यादा वो एक नई पॉइंट हो रहा है, बट अगर ये सिंगल सिंगल होता तो ये और ज्यादा टफ होता। बट यहाँ पे ये फीमेल वोकल्स भी है उनके नेम थे और वो भी है बहुत, तो देखते हैं अभी मूवी तो आने ही वाली है, सो लेट्स सी क्या रहता है नहीं रहता है। हमें तो बहुत एक्साइटमेंट है इस मूवी को लेके, क्योंकि हमें ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली ट्रेलर इतना लॉन्ग है ना इस मूवी का, ट्रेलर से ही समझ में आ रहा है कि मूवी क्या होने वाली है। सो कुछ सस्पेंस हमें एक ने बताया था कमेंट सेक्शन में कि इसमें चुलबुल पांडे की एंट्री होने वाली है, मतलब वो सलमान खान सबसे की। बड़ा सरप्राइज हाँ सो वो रहेगा। देख, अब वो बता ही दिया तो क्या सरप्राइज, एक्चुअली नहीं वो हो ही एक्चुअली वो चुका अभी भी है। सरप्राइज ही है क्योंकि जब तक हम मूवी नहीं देखते तब नहीं बट तक सुनने में आ हमें रहा है कि सुनने में इसमें बहुत कुछ है। आता है। जैसे कि शैतान में भी हमें सुनने में आया था कि उसमें एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन है, बट एज सच उसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन था नहीं। हम वेट तो कर रहे थे थिएटर में हाँ बैठ के बट वो कि आया पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं। है बट था नहीं। तो हाँ वैसे ही जब तक मूवी आ नहीं जाती कोई देख नहीं लेता बट मूवी अगर को है तो ये तब बहुत तक, बड़ी तब बात तक है, ये चीज नहीं एक्चुअली। और मुझे लगता है ये चीज हो सकती है क्योंकि इसीलिए कॉप क्योंकि यूनिवर्स की है ना हाँ, और फिल्म। सबसे पहले कॉप तो वही थे चुलबुल हाँ पांडे। नहीं सिंघम उसके पहले आई थी। नहीं नहीं, नहीं सिंघम दबंग पहले आई थी। मुझे याद नहीं ठीक से, बट मैक्सिमम सेम टाइम ही थी आई थिंक। सो मैं खैर छोटी थी जब दबंग आई थी। सो लेट्स सी अब क्या रहता है मूवी में नहीं रहता है। सॉन्ग बहुत अच्छा था एंड वी थॉरली एंजॉयड इट। सो यस गाइस दिस वाज आवर रिएक्शन, वी होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल दिए हुए हैं, अगर आप हमें अभी फॉलो करना चाहो तो आप हमें अभी फॉलो कर सकते हो। अब अब हम हम लोग लोग आपसे आपसे मिलेंगे मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में, में, तब तब तक तक के के लिए लिए बाय। बाय।